एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सरकार पर जमकर बरसे हैं। कैथल में प्रेस वार्ता के दौरान उदयभान ने कहा कि सरकार द्वारा हर नागरिक को कर्जदार बना दिया है। जो भी बच्चा जन्म लेता है उस पर 1,42,000 रुपए का कर्ज है। सरकार द्वारा विकास की ओर कोई काम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ देश और प्रदेश को कर्जदार बनाने का काम किया है। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और सभी वर्गों के लोग सरकार से दुखी हैं, जिसे 2024 में इनको देश और प्रदेश की जनता सबक सिखा रही है और कांग्रेस जनता का विश्वास जीतकर लोगों के हित के लिए आ रही है। ऐसी बातों को लेकर कैथल में प्रेस वार्ता। DHCL लाइव है जो देगा आपको क्रिकेट की न्यूज, IPL लाइव स्कोर आपके टीवी से 2 मिनट पहले। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएंगे, DHCL लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। कैथल में अपने साथियों से मिलने के लिए मैं आया और इस बीच आपसे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उसका अवसर का लाभ उठाया। जो आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां चली हुई हैं उसके बारे में हमें आपका सहयोग और समर्थन आपका मीडिया का भी चाहिए। आज प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जो 70,000 करोड़ का कर्जा 2014 में था, 9 साल के शासन में वो 4,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेता है तो 1,42,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बड़ा, ना तो कोई बिजली का कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो रेल लाइन आगे बढ़ी, ना कोई रेलवे लाइन आई, ना कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़े मेडिकल कॉलेज बने, कोई ऐसा। DHCL लाइव है जो देगा आपको क्रिकेट की न्यूज, IPL लाइव स्कोर आपके टीवी से 2 मिनट पहले। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएंगे, DHCL लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई नहीं लगता कि जहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा की गई हो, लेकिन कर्जा बेतहाशा बढ़ गया, ये बहुत ही सोचने का विषय है। साथ ही हमारा सर जब झुकता है कि जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक हुआ करता था, कानून व्यवस्था में नंबर एक हुआ करता था, आज सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक पर है। आज महंगाई में हरियाणा प्रदेश नंबर एक पर है। कानून व्यवस्था में जो केंद्र सरकार का सामाजिक सुरक्षा जो इंडेक्स है उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे देश के अंदर असुरक्षित प्रदेश बताया गया है, वो इन्हीं के केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने किया है। आज इस सरकार के रहते हुए 32 बार पर्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और HPSC में भी एक जैसे पर्सन आते हैं। HPSC का जो अधिकारी है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पूरा जो HCS के लिए, उसके लिए 100 के अगेंस्ट कम से कम 300 जिन्होंने उसमें जो एग्ज़ाम दिया था वो बुलाने चाहिए थे कैंडिडेट, लेकिन केवल उसमें से इंटरव्यू के लिए 61 सेलेक्ट किए हैं। इंटरव्यू के लिए 61 बुलाए हैं, उनमें से कितनों का सिलेक्शन होगा ये नहीं पता। जो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक पर है वहाँ पर इनको 100 पोस्टों को भरने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे, ये बहुत चिंतनीय विषय है। आज शिक्षा व्यवस्था का पूरा दिवाला निकल चुका है। 48 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल पूरी तरह से बंद। DHCL लाइव है जो देगा आपको क्रिकेट की न्यूज, IPL लाइव स्कोर आपके टीवी से 2 मिनट पहले। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएंगे, DHCL लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। कर दिए, सीटें कम कर दी और 25,192 पद फिर भी खाली हैं अध्यापकों के, और
क्यों स्कूल मर्ज हो रहे हैं, क्यों स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस पर चिंता करने के बजाय स्कूलों को मर्ज करने में और बंद करने में लगे हुए हैं। भाई आपके स्कूलों में जब अध्यापक ही नहीं होंगे, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं होगा। आज भी स्कूलों में, कितने स्कूलों में आज बाथरूम नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं है। अगर उसके आंकड़े चाहिए तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट भी दे सकता हूँ। आज पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इसमें शिक्षा में गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एक तरह से गरीब तबके को शिक्षा से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा ऐसी स्वास्थ्य की पोजीशन है, सरकारी कहीं अस्पताल में जाओ तो कहीं डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर कोई ढांचा नहीं है, आधारभूत ढांचे की जो आवश्यकता है उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो खनन घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे धान घोटाला। घोटाला होते हैं उसके लिए SIT बनाते हैं, लेकिन किसी SIT की रिपोर्ट नहीं आती। SIT है वो खाली खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है और उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आती। जो पोर्टल बनाया है ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है किसानों के लिए। जब उनको आवश्यकता होती है तो पोर्टल ही काम नहीं करता, खुलता ही नहीं है। अब किसान की फसल, अब धान की है तो ये भी इलाका धान का है, पैडी का है, जीरी का, तो यहाँ भी लगभग 5 सितंबर से सब जगह धान आना। GHCL लाइव है जो देगा आपको क्रिकेट की न्यूज, IPL लाइव स्कोर आपके टीवी से 2 मिनट पहले। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएंगे, GHCL लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। शुरू हो गया था, इन्होंने खरीद कब से शुरू की है और वो भी कितने धान की कर रहे हैं। जो किसान 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को जिसकी फसल उठ रही है, वो पोर्टल का वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। वो पोर्टल खोलेगा जब वो मंडी, क्या वो पोर्टल 1 महीने तक वो फसल को कहाँ रखेगा? अपने उस फसल को रखने के लिए उसके पास क्या संसाधन है, क्या साधन है? जीरिए की फसल है जो किसान उसको न खेत में रख सकता, ना घर में रख सकता, उसको सीधा मंडी में लाता है। और मंडी में जो बेकदरी हुई है, 200 से 400 रुपये क्विंटल तक किसान को धान का दाम कम मिला है, और किसान का धान कम मिला है किसान को धान का रेट, और वो व्यापारियों ने औने पौने दामों में खरीदा, वो उसको लगा करके बेचेंगे। यही तो धान घोटाला है, जिस तरह से पहले हुआ। उत्तर प्रदेश से, बिहार से ला करके पूरी कर दी जाएगी और वो किसानों का जो पूरी तरह से यही है। इस तरह से ये बाजरे का है, आज 600 से 700 रुपये क्विंटल तक नीचे बेचना पड़ रहा है। सूरजमुखी का आया था, आपके इलाके में होती है सूरजमुखी का, 2000 से और 2400 रुपये तक कम सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ा। और जब मांग करते हैं MSP की तो उन पर लाठी चार्ज होता है, कोई कर्मचारी मांग करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज होता है, कोई नर्स हो, चाहे कोई आशा वर्कर हो, कोई भी जो सरकार का जो प्रतिरोध करता है तो उसको लाठी डंडों से और पानी के बौछारों से, जो छोटी सरकार कहते थे उसकी भी कसर काट दी, सरपंचों की उन्होंने पिटाई कर दी, पूरी तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। जो कहते थे कि हम छोटी सरकार को, पढ़ी लिखी सरकार है, इसको हम बहुत ज़्यादा अधिकार संपन्न बनाएंगे, उनको ऐसा अधिकार संपन्न बनाया, 2 साल तक तो चुनाव नहीं कराए, जब चुनाव कराए तो 20 लाख की जो पावर थी वो 2 लाख की कर दी, फिर पूरा संघर्ष किया, पिटे कुटे, फिर 5 लाख की, अब कह दी कि विधायक से पूछ करके लगाना है। वो सरपंच पंचायत क्या करे, वो छोटी सरकार कैसी छोटी सरकार है, उस छोटी सरकार के अधिकार क्या है, ये बात आज सोचने की, बात करने की आवश्यकता है। तो ये सरकार GHCL लाइव है जो देगा आपको क्रिकेट की न्यूज, IPL लाइव स्कोर आपके टीवी से 2 मिनट पहले। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएंगे, GHCL लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज पूरी तरह से जो कर्ज में हो गया, कोई आप बताए कि कांग्रेस सरकार में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे 5400 मेगावाट के, दिल्ली से आपके बल्लभगढ़ तक मेट्रो बनी, गुड़गांव तक मेट्रो बनी, बहादुरगढ़ तक मेट्रो बनी। ये फर्जी घोषणा करते हैं। 26 जनवरी 2016 का मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि फरीदाबाद से और हम गुड़गांव तक मेट्रो
ये बनाने की हमने मंजूरी स्वीकृति प्रदान कर दी है और हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो बात छोड़ो, वो तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं ना। और जो बात थी कि भाई हम उसको मेट्रो को करेंगे, वो मेट्रो के कहीं आते पते नहीं है। जो कह रहे थे 32.14 जो उसके किलोमीटर की 5900 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, वहाँ के कृष्ण पाल जी वो 2018 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि ये 2021 तक मेट्रो चालू हो जाएगी। मेट्रो के लिए आज तक इस सरकार ने सुबह झांसे देने के कुछ नहीं किया, इन्होंने एक नया पैसे का बजट में प्रोविजन ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार 38 किलोमीटर की मेट्रो मंजूर करा के लेगी, इनकी एक मतलब 100 मीटर की भी मेट्रो ये आगे नहीं बढ़ा सके, एक पिलर नहीं खड़ा कर सके, एक बजट में एक फूटी कौड़ी इनके में नहीं है। और ये घोषणा करते हैं, पहले तो कर दी फरदाबाद से गुड़गांव, फिर कर दी बल्लभगढ़ से हम पलवल की मेट्रो करेंगे, तो ये झूठे झांसे देने वाली सरकार है। आज इस सरकार से हर व्यक्ति, चाहे वो किसान है, GHCL लाइव है, जो देगा आपको क्रिकेट की न्यूज, IPL लाइव स्कोर आपके टीवी से 2 मिनट पहले, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाएंगे, GHCL लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। मजदूर है, गरीब आदमी है, आज पूरी तरह से दुखी है, व्यापारी दुखी है। व्यापारी के साथ इन्होंने किस तरह से जो GST लगाया, कपड़े पर भी पहली बार टैक्स लगाया, सुनारों पे इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, सबसे पहले सुनारों पे की, फिर कपड़े वालों पे की, फिर मंडी में व्यापारियों पे की, फिर उसके बाद में सारे व्यापारियों पे जो MSME थी सब पर कर दी GST, इस तरह से लगा करके। आज चाहे कोई दूध हो, दही हो, छाछ हो, पानी हो, और यहाँ तक कि शमशान में जाए तो कफन तक भी, उस पर भी टैक्स इन्होंने लगा दिया, लकड़ी पर भी। आपके सामने बड़े मुद्दे हैं अध्यक्ष जी, आपने जो मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया, प्रदेश भर की समस्या आपने गिनवा दी, लेकिन बिना संगठन के कैसे समस्याएं उठाएंगे? आपके पास संगठन नहीं है, कब तक घोषणा हो जाएगी? संगठन हमारा घर घर तक पहुंचा हुआ है, जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में हुए हैं, संगठन पूरी तरह से चल रहा है। अगर संगठन नहीं होता तो इतनी बड़ी विपक्ष आपके समक्ष जो रैली हुई, हिसार में 1 लाख आदमी की रैली हुई, 15-15 किलोमीटर तक जाम लग रहे थे। जो विपक्ष आपके समक्ष, चाहे वो फतेहाबाद का है, चाहे फरीदाबाद का है, चाहे वो जगाधरी का है, चाहे कहीं भी, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती सोनीपत की है, चाहे कबीर जयंती रोहतक की है, और जब पानीपत में जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, जो अभूतपूर्व जो रैली पानीपत के अंदर हुई, जो 2-3 डिग्री टेम्परेचर पे उस समय इतनी भीषण सर्दी के दौरान, ये बगैर संगठन के थोड़ी, हमारा संगठन सब जगह है और मजबूती से हमारा काम कर रहा है। और जहाँ तक जो संगठन की बात कर रहे हो, वो भी अब बहुत जल्दी आपका आ जाएगा।